इड्यू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर मशीन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। मैं इस वीडियो में डीसी जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो आईएएस के प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। आईएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, ओके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर हैज़ एन आर्मेचर रेसिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम। हमें क्या गिवन है? आर्मेचर रेसिस्टेंस गिवन है 0.1 ओम, ठीक है, एंड नेग्लिजिबल आर्मेचर इंडक्टेंस। एट रेटेड फील्ड करेंट एंड रेटेड रोटर स्पीड इट्स ओपन सर्किट वोल्टेज इज 200 वोल्ट। जब रेटेड फील्ड था और रेटेड स्पीड था तो हमारा जो वोल्टेज था, ओपन सर्किट वोल्टेज जो था वो था 200 वोल्ट, ठीक है। फिर बोला व्हेन दिस जनरेटर इज ऑपरेटेड एट हाफ द रेटेड स्पीड। जब वो ऑपरेट कर रहा है हाफ द रेटेड स्पीड विथ हाफ द रेटेड फील्ड करेंट, फील्ड करेंट भी हमारा क्या हो गया हाफ, एंड अनचार्ज 1000 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज सडनली कनेक्टेड अक्रॉस द आर्मेचर टर्मिनल। आर्मेचर टर्मिनल के अक्रॉस में अनचार्ज 1000 माइक्रोफेराड कैपेसिटर सडनली कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। एज्यूम डेट द स्पीड रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द ट्रांजेंट। ट्रांजेंट के टाइम में जो स्पीड है, जो हमारा स्पीड है वो nr/2 ही रहेगा, मतलब उसका स्पीड चेंज नहीं होगा, ठीक है। एट वाट टाइम आफ्टर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अ वोल्टेज अक्रॉस इट रीच 25 वोल्ट। पर कितने टाइम के बाद जो वोल्टेज, जो कैपेसिटर कनेक्टेड है जो आर्मेचर के अक्रॉस, वो उसके उसके जो वोल्टेज हो जाएगा, कैपेसिटर का वोल्टेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 वोल्ट। कितने टाइम के बाद ये हमको फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें टाइम फाइंड आउट करना है किस टाइम पर जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 25 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है आर्मेचर करंट गिवन है 0.1 ओम, और हमारा जो फील्ड करंट है वो रेटेड करंट से हाफ है, और हमारा जो स्पीड है वो रेटेड स्पीड से हाफ है, ठीक है। अब हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक हमारा यहाँ पर रेसिस्टेंस है। जब ये रेटेड में वर्क कर, रेटेड स्पीड और रेटेड फील्ड था, तब यहाँ का वोल्टेज जो था वो था 200 वोल्ट। अब क्या होता है जब ये हाफ रेटेड से हाफ स्पीड में रोटेट कर रहा है और फील्ड करंट जो है हाफ हो गया रेटेड से, तब इसके अक्रॉस एक कैपेसिटर कनेक्ट होता है जो अनचार्ज्ड है, ठीक है। सी कैपेसिटर कनेक्ट होता है जो अनचार्ज्ड है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस 25 वोल्ट जो वोल्टेज होगा वो कितने टाइम के बाद होगा। तो अगर मान लेते जूम करते कि इस टाइम कैपेसिटर नहीं लगा हुआ था, जब रेटेड जब स्पीड और रेटेड फील्ड करंट था, तब यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर इसके क्रॉस नहीं लगा हुआ था, तब हमारा क्या था इजी क्या होगा 200 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप हो नहीं रहा है। ये तो इंटरनल रेसिस्टेंस है, आर्मेचर रेसिस्टेंस, ठीक है। कोई भी यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग नहीं है जिसके वजह से यहाँ पे कोई भी IaRa ड्रॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इजी इक्वल टू क्या होता है V प्लस IaRa, ठीक है। अगर ये ड्रॉप नहीं हो रहा है तो इजी इक्वल टू क्या होगा V, तो उस समय हमारा क्या था इजी 200 वोल्ट था। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है इजी डेज, ठीक है। कैसे फाइंड आउट होगा, हम लोग जानते हैं इंड्यूस ईएमएफ जो होता है या फिर जनरेटेड जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है के कांस्टेंट फाई एन, ठीक है। अब इजी डेज के केस में भी हम लोग बोलेंगे के फाई डेस एन डेस, ठीक है। और फाई क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इजी डेज डिवाइडेड बाय इजी इक्वल टू फाई डेज बाई, सॉरी यहाँ पे इजी डेज होगा, ठीक है, फाई डेज बाई एन डेज डिवाइडेड बाय फाई एन। नेक्स्ट इजी डेज डिवाइडेड बाय इजी इक्वल टू फाई को रिप्लेस कर देंगे आई से, तो आई डेज एन डेज डिवाइडेड बाय आई एन।
यहाँ पर लिख सकते हैं आई वन आई डैश इज नथिंग बट आई बाई टू, एन डैश इज नथिंग बट एन बाई टू। सॉल्व करेंगे तो इजी डैश हमारा क्या आएगा, इजी बाई फोर, तो 200 बाई फोर क्या होगा 50 वोल्ट। ठीक है, और हम लोग जानते हैं जब कैपेसिटर चार्ज होता है, अनचार्ज से चार्ज होता है, तो उसका फॉर्मूला हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था, वो था जो चार्ज होता है वी सी इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ब्रैकेट में 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, टाउ क्या होता है, टाउ इज नथिंग बट आर सी, तो हमारा आर कितना गिवेन था 0.1, सी कितना गिवेन है 1000 माइक्रो फेराड। सॉल्व करेंगे तो 0.1 इंटू 1000 इंटू 10 to the power -6, तो यहाँ पर आ जाएगा टाउ का वैल्यू 10 to the power -4। ठीक है, अब हम पुट अप करेंगे वैल्यू, वी सी हमारे पास है 25, हमको लाना है 25 वोल्ट, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 25 होना चाहिए, तब हमारा टाइम फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 50 है, 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ कितना हो जाएगा 10 to the power -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25/50 इक्वल टू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई 10 to the power -4, तो ये हो जाएगा 1/2, ये इधर ले जाएंगे 1 को तो -1, यहाँ पे माइनस ई का पावर माइनस टी बाई 10 to the power -4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा -1/2 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई 10 to the power -4, देन माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर ln log लगाएंगे, log लगाएंगे बोथ साइड, तो ln हाफ इसकल टू माइनस टी बाई 10 to the power 4 एल एन ई, एल एन ई का वैल्यू जो होता है वो होता है 1। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो एल एन हाफ का वैल्यू आएगा 0.693 इसकल टू माइनस टी बाई 10 to the power 4। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन टी इक्वल टू आएगा 0.693 इंटू 10 to the power -4, सॉरी यहाँ पे -4 है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 69.3 माइक्रो सेकेंड। तो टी का वैल्यू इतना होगा, मतलब इस टाइम पर जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 25 वोल्ट हो जाएगा। 69.3 माइक्रो सेकेंड पर कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हो जाएगा 25 वोल्ट, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टी इजकल टू 69.3 माइक्रो सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,